दोस्तों, पुरुषों को जायफल के बारे में शायद अधिक जानकारी ना हो, लेकिन महिलाएं जायफल के बारे में जरूर जानती होंगी। जायफल का इस्तेमाल अनेक अवसर पर किया जाता है, कभी मसाले के रूप में तो कभी बच्चों की मालिश करने के लिए। जायफल के तेल का उपयोग साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में जायफल के बहुत फायदे हैं, आज उन्हीं के बारे में जानकारी देंगे। जायफल का प्रयोग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रोगी जायफल का इस्तेमाल कर अपनी बीमारी की रोकथाम कर सकता है, कई बीमारी का उपचार कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी जायफल के अनेक फायदे बताए गए हैं। आइए, जायफल से होने वाले सारे लाभ आज उनके बारे में जानकारी हम लेंगे। अगर छोटे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जायफल और मायाफल, इनको बराबर बराबर चूर्ण को धीमी आग पर आपने भून लेना है और इसमें 12 भाग मिश्री मिलानी है। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह दूध के साथ बच्चों को सेवन कराएं। इससे बच्चों के बल में वृद्धि होगी, बच्चों के रोग ठीक होंगे। अगर जो महिलाएं स्तनपान छुड़ाना चाहती हैं तो बच्चे आसानी से दूध नहीं छोड़ते, ऐसी स्थिति में जायफल आपके काम आ सकता है। बच्चों को दूध पीना छुड़ाने के लिए जायफल का प्रयोग करना चाहिए, यह लाभ देता है। कई लोगों को सेक्सुअल पावर की कमी होने की शिकायत रहती है, ऐसे लोग मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने लेना है जायफल, अकरकरा और जावित्री, इलायची, कस्तूरी और केसर। इनको दूध में पका लेना है और इस दूध में मिश्री मिलाकर आपने पीना है। इससे आपकी पौरुष शक्ति यानी पुरुषत्व की वृद्धि होगी। मुंह के छाले को ठीक करने के लिए ताजे जायफल के रस को पानी में मिलाकर कुल्ला करें, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। अगर चेहरे पर दाग धब्बे या झाइयाँ पड़ गई हैं तो जायफल को पीस कर शहद में मिला लें और उसे चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर इसको धो दें, इससे चेहरे के दाग और धब्बे मिट जाएंगे। जावित्री और जायफल के बारीक चूर्ण को पानी में घोल कर लेप करने से चेहरे पर झाइयाँ मिट जाती हैं उनको लगाने से। अगर दोस्तों प्राय सर्दी के मौसम में हाथों और पैरों की त्वचा फट जाया करती है, इसमें जायफल को जल में घिस कर पैरों पर लेप करें, इससे बुआइयाँ ठीक हो जाएंगी। जायफल के तेल की मालिश करने से त्वचा से संबंधित रोग दूर होते हैं। आप बेहतर परिणाम के लिए दोस्तों अच्छी क्वालिटी का जायफल जरूर यूज करें। अगर मुंह से बदबू आती है तो आपने कूट लेना है। कूट, कमल और जावित्री और जायफल, इन चारों चीज़ों को आपने बराबर बराबर मात्रा में लेना है और इसकी 500 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर आपने चूसनी है। इससे मुंह से दुर्गंध आने की परेशानी ठीक हो जाती है। अगर दांत में दर्द रहता है तो जायफल के तेल में भिगोई हुई रुई के फाहे को दांतों में रखना है और आपको दांत में दबाकर रखना है इसको, इससे दांत के दर्द से आराम मिल जाएगा। अगर माइग्रेन की समस्या है तो जायफल के छिलके को बनफसा के तेल में मिला लें और उसको पीस लें। इसे 1 से 2 बूंद नाक में डालने से आपको आधा शीशी यानी माइग्रेन की समस्या के दर्द में आराम मिल जाएगा। अगर आपका सिर दर्द करता है तो जायफल का उपयोग सिर दर्द में बहुत उपयोगी होता है। जायफल को पानी में घिसकर सिर पर लगाएं, इससे भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। अगर कान का रोग है, कान दर्द कर रहा है, तो जायफल को पीसकर कान के पीछे लेप करने से कान का दर्द और सूजन ये ठीक हो जाएगी। जायफल को तेल में उबालकर छान लें, इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में कान में डालने से कान की बीमारी ठीक हो जाती है। खांसी का इलाज करने के लिए आपने 500 मिलीग्राम जाती फल आदि चूर्ण में शहद मिलाकर इसका सेवन करना है। इससे खांसी, सांस का फूलना, भूख ना लगना, टीबी की बीमारी और वात कफ विकार के कारण होने वाली सर्दी जुकाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अधिक प्यास लगने से परेशान हैं तो जायफल को रात भर ठंडे पानी में डुबोकर रखें। सुबह 5 से 10 मिलीग्राम की मात्रा में इस पानी को पिलाने से जो ज़्यादा प्यास लगने की समस्या है वो ठीक हो जाती है। और अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसके लिए आप जायफल का पानी में घिसकर इसको पिए, इससे भूख ना लगने की समस्या ठीक हो जाएगी और जो जीभ में चलाता है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर पेट दर्द की परेशानी है तो पेट दर्द की परेशानी में 1 से 2 बूंद जायफल तेल को बताशे में डालकर आप खिलाएं, इससे पेट दर्द में आराम मिलेगा। और अगर दस्त लग गए हैं तो आपने जायफल और सौंठ 500 मिलीग्राम दोनों चीज़ें लेनी हैं।
इसे जल में घिसकर सेवन करने से दस्त ठीक हो जाते हैं और इस दौरान स्वस्थ भोजन करना जरूरी है। दस्त पर रोक लगाने के लिए जायफल को घिसकर नाभि पर लेप करें, इससे भी दस्त की गंभीर बीमारी भी तुरंत ठीक हो जाती है। और अगर लकवा हो गया तो लकवे की बीमारी में भी जायफल का फ़ायदा लिया जा सकता है। जायफल को मुंह में रखकर चूसने से लकवा रोग में लाभ मिलता है। और अगर आपको गठिए की प्रॉब्लम है, गठिए में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो जायफल या जावित्री तेल को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों के दर्द वाले स्थान पर लगाएं, इससे जकड़न, मोच, गठिया और लकवा में आपको लाभ होगा। अब जानते हैं आपने कितनी मात्रा में ज़्यादा ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जायफल चूर्ण यूज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा ग्राम से एक ग्राम तक लेना है, और अगर तेल ले रहे हैं तो एक से तीन बूंद तक। किसे जायफल का उपयोग नहीं करना चाहिए? दोस्तों, जायफल का प्रयोग गर्भावस्था में नहीं किया जाना चाहिए, और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है उन्हें अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही जायफल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी 5 ग्राम या उससे अधिक मात्रा का प्रयोग करने पर हिचकी या बहुत अधिक प्यास लगना, पेट दर्द, मानसिक विकार, व्याकुलता, बेहोशी या लीवर से जुड़ी परेशानी हो सकती है। और जायफल के बीज का चूर्ण अत्यधिक कामोत्तेजक होता है और एक अधिक मात्रा इसका प्रयोग करना आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जायफल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।